पूर्व पक्षी विवरणकार के अनुमान जो पांच किए थे उन पांचों पर सामान्य दोष दे दिया था। अब उसके सिद्धांत जो चिन्ह नौ स्वप्रकाशत्वस्य बाधितया, सबसे पहले आत्मा अपने आप का प्रकाशन करता है, स्वप्रकाशी है आत्मा, आत्मा से आत्मा का ही प्रकाशन होता है, आत्मा ही प्रकाशक है, आत्मा ही प्रकाशी है, यह बात हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं। तद अप्रकाशित्वेन पक्ष से विशेषतया और स्व अप्रकाशित्वेन पक्ष बना लेंगे, आत्मा का विशेषण बना दो पक्ष में, स्व अप्रकाशित्व सती आत्मा, हाँ ये आपका पक्ष हो जाएगा, स्व अप्रकाशीभूत जो आत्मा वो पक्ष बन जाएगा। तो अर्थांतर भावात, इन दोनों से ही अर्थांतर दोष दूर हो जाएगा। स्व प्रकाश मानेंगे प्रतिपादि के समान अर्थांतरता हो सकता था, और हमें स्व अप्रकाशित्व जब कह देंगे तो अपने आप जो है प्रकाशीभूत घटादि में जो दोष दिया वो दोष भी दूर हो जाएगा। घटादि अस्व प्रकाश है ना, स्व प्रकाश नहीं है, उसमें चला जाएगा ऐसा आप कह सकते हो, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अर्थांतर दोष अस्व प्रकाशत्व को लेकर के आपने दिया, लेकिन प्रकाशत्व को लेकर के, प्रकाशी अलग चीज है, प्रकाशत्व अलग चीज है, प्रकाशकत्व अलग चीज है। प्रकाशकत्व वस्तु होता है, उस वस्तु का धर्म है प्रकाश, उस धर्म से जब भाषित हुआ हो जाएगा प्रकाश्य, घट प्रकाशी है, स्वप्रकाश नहीं है, न स्वप्रकाशी भी नहीं है, वो घट पर प्रकाशी होता है। इसे आत्मा से भिन्न दृश्य वर्ग जड़ है जितने भी हैं, समस्त घट आदि जिसमें आप अर्थांतर जो दे रहे हो वो आत्मा से भिन्न होने से जड़ है, और जड़ में ही वेद्यत होता है, आत्मा में वो बन नहीं सकता, वेद्यत्व नहीं है, अवेद्यत्व हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः आत्मा में स्ववेद्यत्व ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम बात कर चुके हैं आत्मा स्वप्रकाश्य नहीं है, स्ववेद्य नहीं है, ये हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं, इसे अर्थांतर का दोष नहीं हो सकता। अथवा दूसरा पक्ष क्या, स्ववेद्यत्व भाव विशिष्ट आत्मा, ये हमारा पक्ष हो जाएगा, पक्ष में ही विशेषण दे, सविशेष पक्ष बना दो तो कोई आपत्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्वव्यक्तित्व अभाव विशिष्ट आत्मा ऐसा कह देंगे। और घटादि कैसा है, घटादि वेद्य है, वेद्यत्व अभाव वाला है नहीं, वेद्यत्व ये उसके अंदर से दोष खत्म हो जाएगा अर्थांतरता, ये इनका कहना है। सजातीय प्रकाश अप्रकाश प्रकाशत्व में वह साध्यम, और जहाँ साध्य विपरीत मैंने पूछा था अविद्य से तरीका लेकर जो प्रतिबंध त्रिकाल निषेधत्म इत्यादि को लोगे, किसको लोगे, अवैधित्व लोगे तो दोष दिया था, अवैधित्व लोगे तो अर्थांतर दी, ये सब दोष अपने आप दूर होगा क्योंकि हम वहाँ साध्य को सजातीय प्रकाश अप्रकाश प्रकाशत्म ये हम ले लेंगे, सजातीय प्रकाश के द्वारा अप्रकाशीभूत जो प्रकाश ये हमारा साध्य होगा। एवंच न घटादिवद अश्व प्रकाशत्व उपत्ति, इसे घटादि के समान अश्व प्रकाशत्वपन्न दोष जो दिया वह अभी दोष नहीं रह जाता है। स्व अप्रकाश सजातीय प्रकाश अप्रकाशत्व अविद्यत्व से लाभात, कि स्व अप्रकाश होते हुए सजातीय के द्वारा भी अप्रकाश ही अविद्यत्व का वास्तविक अर्थ है, स्व प्रकाश भी न हो और स्व सजातीय के द्वारा भी अप्रकाश हो, स्व से अप्रकाश और स्व सजाति से भी अप्रकाश, यही अवैधत्व का अर्थ है। दीपक आदि ऐसा नहीं है, वह सजाति की तरफ प्रकाश हो जा रहा है, विजातीय से अप्रकाशत्वात, और जो विजातीय है जड़ है वो तो अप्रकाश है ही है, आत्मा से विजाति कौन होगा, जड़ वर्ग लेंगे वो तो अप्रकाश रूप है, व्यभिचार आदि दोष नहीं होगा। और उसने कहा था ज्ञान प्रभा अनुगत प्रकाशत्व सिद्धि, वो भी दोष नहीं दे सकते, ज्ञान प्रभा अनुगतंच प्रकाशत्वम आवरणाभिभावकत्वम, जो ज्ञान और प्रभा में अनुगत जो प्रकाशत्व है उसमें एक सामान्य धर्म मान लूंगा आवरण अभिभावकत्व, लेकिन आवरण अभिभावकत्व भी अंतर समझोगे फिर तो व्यभिचार हो जाएगा। अवेद्य क्या प्रभा वेद्य कैसे घटेगा फिर, इसलिए उसमें अंतर समझो, क्या अंतर है, तच्च ज्ञान से चित्वेन अन्यत्र तेजो विशेषत्वादिना इति अन्यदे तत्,
ये अंतर समझो। पहले में क्या है, चित्वेन ज्ञान में आवरण अभिभावकत्व है, और जो प्रभा में जो आवरण अभिभावकत्व है वो चित्वेन नहीं है, तेजो विशेषत्वेन, तेजो सामान्य में भी नहीं है ना आवरण अभिभावकत्व, ऐसे लकड़ी में भी तेज सामान्य है, ये सब लकड़ी पड़े हैं इनमें भी तो अग्नि है तेज है, ये किसी आवरण का अभिभाव थोड़ो कर सकते हैं, खुद बल्कि आवरण जैसे दिख रहे हैं। जब वो तेज विशेष स्वरूप को प्राप्त करेंगे प्रभा, तभी जाकर के वो आवरण का विभावकत्व होगा, इसे अवच्छेद भिन्न हो गया। ज्ञान में आवरण विभावकत्व का अवच्छेद के चित्व, और दीपकादि में आवरण का विभावकत्व है तेजो विशेषत्व, अवच्छेद भेद वस्तु भिन्न हो गया। आवरणत्व और आवरण का भी अर्थ क्या है दोनों में, है ना, घट आवृत है और आत्मा आवृत है, दोनों में अंतर है, इसलिए आवरणत्व अर्थ व्यवहार प्रतिबंधकत्व अनुगतम एव, आवरणत्व यही है अज्ञान तमसोह, अज्ञान और तम में, आत्मा का आवरण है अज्ञान, घटादि का आवरण है अंधकार, इन दोनों में एक आवरणत्व का अवच्छेदक बन जाएगा, प्रयोजक बनेगा अर्थ व्यवहार प्रतिबंधकत्व, उस अर्थ के व्यवहार में प्रतिबंधक हो जाना, नहीं अयं घट एकादश व्यवहार का प्रतिबंधक है अंधकार, अहम आत्मा अस्मि इस व्यवहार का प्रतिबंधक है अज्ञान, लेकिन इनमें भी अंतर समझो, नहीं तो फिर दोष आ जाएगा, अज्ञान में और अंधकार में भेद क्या है, आवरण विभावकत्व समान हो गए, कहते अंतर है। तच्च अज्ञान से साक्षात तमसो ज्ञान प्रतिबंध द्वारा इत्यन्य देता, वहां पर क्या अज्ञान जो है साक्षात व्यवहार का प्रतिबंधक बन जाता है, लेकिन अंधकार साक्षात प्रतिबंधक नहीं व्यवहार का, अंधकार ने ज्ञान को प्रतिबंधित किया और ज्ञान का प्रतिबंध होने से व्यवहार प्रतिबंधित हुआ। अयं घट एतर्ष व्यवहार का प्रतिबंधक साक्षात अंधकार नहीं है ना, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अंधकार के वजह से मुझे ज्ञान नहीं हुआ, यह घड़ा है, ज्ञान न होने से मैं व्यवहार नहीं कर पाया, सिर्फ व्यवहार अभाव के पूछे साक्षात कारण कौन है, ज्ञान अभाव, और ज्ञान अभाव का में कारण कौन बना, अंधकार, इसलिए अंधकार में साक्षात प्रतिबंधकत्व ज्ञान के प्रति मैंने व्यवहार के प्रति नहीं है, ज्ञान के प्रति है, ये अंतर है दोनों में, अज्ञान साक्षात ज्ञान का प्रतिबंधक बनता है, व्यवहार का प्रतिबंधक भी बन जाता है, दोनों का प्रतिबंधक बन गया, क्योंकि वह ज्ञान से बिना अलग आत्मा है नहीं, वस्तु है नहीं, वहां आत्मा का व्यवहार अयम आत्मा या अहम आत्मा अस्मि इस व्यवहार का प्रतिबंधन जो अज्ञान कर रहा है, उस व्यवहार और आत्मा का बीच में एक और अलग ज्ञान नाम की चीज नहीं होती है, आत्मज्ञान, जैसे घटक ज्ञान, अयम घट इस व्यवहार के पीछे अयम घट यदि ज्ञानम कारणम, अयम घट ज्ञान कारण तब बनेगा जब घट का आवरण भंग होगा, इसे अंधकार ने क्या किया, घट को आवरण करके अयं घट ज्ञान होने नहीं दिया, अयं घट ज्ञान न होने से वहां अयं घट व्यवहार नहीं हो पाया, वहां घट एक जड़ विषय होने के नाते उसमें ज्ञान मानना पड़ा और ज्ञान का प्रतिबंधक अंधकार हुआ, लेकिन यहां विषय कौन है, अज्ञान जिसको आवरण कर रहा है आत्मा है, वो खुद ही ज्ञान रूप है, समान यही तो कह रहे, यही तो अंतर दिखा रहे हैं, उसमें आवरण अर्थ व्यवहार प्रतिबंधकत्व रूपा समान दिख रहा है, कारणता दोनों में अर्थ व्यवहार प्रतिबंधकत्व सामान्य हो गया, फिर उनमें विशेषता क्या है, फिर अज्ञान और अंधकार में अंतर क्या पड़ा, तब का अज्ञान जो है साक्षात व्यवहार का प्रतिबंधक बनता है और अंधकार साक्षात व्यवहार का प्रतिबंधक नहीं बनता, किंतु ज्ञान द्वारा प्रतिबंधक बनता है, क्यों, बात ही समझाया मैंने, घट क्या है, जड़ विषय है, उसका उस विषय का ज्ञान के बिना व्यवहार नहीं हो पाएगा, जड़ विषय होने के नाते, लेकिन आत्मा ऐसा जड़ विषय नहीं है, उसका ज्ञान होगा तब व्यवहार होगा क्या, ऐसा नहीं है, वो स्वप्रकाश है, संज्ञान रूप है वो, इसलिए अज्ञान सीधे ही आत्मा का व्यवहार का प्रतिबंधक बन जाता है, लेकिन यह अंधकार सीधा नहीं बन सकता, घट का ज्ञान होगा तब ज्ञान के बाद व्यवहार होता है, व्यवहार नहीं होने के से हम मान लेंगे ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान न होने के पीछे अंधकार प्रतिबंधक बना,
एक साक्षात एक परंपरा अर्थव्यवहार का प्रतिबंधक बन रहा है, ये अंतर करना है। न च दुखे वे विचार है, तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि दुख में वे विचार होगा, इसलिए वे विचार दे रहा है। वो कहते हैं दुख में वे विचार हो रहा है, दुख और प्रकाश समकाल हो गया, और दुख कहें से स्वप्रकाश नहीं है, फिर भी उसमें लक्षण चला जा रहा है, साध्य है नहीं आपका स्वप्रकाशत्व, साध्य भावाधिकरण हो गया दुख, तो दुख जड़ रूप वस्तु, उसमें लेकिन आपका हेतु चला गया स्वसत्यम प्रकाश व्यतिरिक विद्रुत्व, स्वसत्ता काल में प्रकाश अभाव अभाव मैंने प्रकाश है, हेतु चला गया, ऐसे दिखाते हो तो कहते आपके मत के अनुसार नहीं जा सकता। न दुखे विचार क्यों तस्य आद्य क्षण प्रकाश व्यतिरेक सत्वात, क्योंकि आपके मत में आद्य क्षण में प्रकाश का व्यतिरेक होता है, प्रकाश का भाव होता है, प्रकाश है नहीं कहते, क्योंकि दुखादि भी अपनी उत्पत्ति के प्रथम क्षण में प्रकाश व्यविचरित होते हैं, और उत्पन्न क्षण अवच्छेदन ज्ञान नहीं होता, गुण है ना, ये गुण जब दुख उत्पन्न होता है उसी समय ज्ञान होगा क्या, क्योंकि उनके मत में आत्म में विशेष गुण एक साथ दो हो नहीं सकते। दुख भी क्या है, आत्मा का विशेष गुण है, ज्ञान भी आत्मा का विशेष गुण है, इच्छा भी आत्मा का विशेष गुण है, एक कालावच्छे ना आत्मा में अनेक विशेष गुण नहीं हो सकते मन संयोग से। इसे जिस क्षण दुख उत्पन्न हुआ उस क्षण दुख का ज्ञान ही नहीं हमको, वहां भी वो नियम लगा उत्पन्न क्षणम उत्तर ज्ञानम न भवती, कि आत्म विशेष गुणों में एक कालावच्छेदन अनेक गुण नहीं होते, अनेक विशेष गुण नहीं होते, नियम है उनका। ज्ञान है तो दुख नहीं है, दुख है तो ज्ञान नहीं होगा, सुख है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो सुख नहीं, एक ही गुण हो सकता है, इसे भी विचार होगा। प्रथम क्षण में दुख तो उत्पन्न हो गया लेकिन उसका प्रकाशन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, अगले क्षण में ज्ञान होगा उस विषय को लेकर के। आत्मा का विशेष गुण सुख दुख धर्म अधर्म ये सब कैसे हैं, ज्ञान का विषय बनते हैं, और दोनों एक कालावचन में हो नहीं सकते, क्योंकि दुखादि अपनी उत्पत्ति के प्रथम क्षण में प्रकाश से व्यभिचरित होते हैं, ज्ञान व्यभिचरित है वहां पर, इसीलिए व्यभिचार नहीं होगा, ये कहने का अभिप्राय का सिद्धांति का, इसे व्यभिचार नहीं होगा, क्योंकि जिस स्वप्रकाशत्व के अभाव वाला है दुख ये हम मानेंगे, साध्याभावाधिकरण दुख है, लेकिन वहां हमारा हेतु नहीं है स्वप्रकाशत्व, ये जो प्रकाश हमने बजे स्वसत्ता में प्रकाश व्यतिरेक अभाव मैंने प्रकाश होना स्वसत्ता काल में, यह हेतु नहीं है। कारण क्या है, दुख जिस समय में रहता है उस समय आत्मा में ज्ञान नहीं होता है, इसे व्यभिचार नहीं होता, इसे दुखे व्यभिचारी थी नचा कारण हेतु दे दिया, तस्य आद्य क्षणे प्रकाश व्यतिरेक सत्वात, और बोले प्रकाश का अभाव ही है मैंने ज्ञान का अभाव ही रहता है आद्य क्षण में, प्रकाशत्व विशेषण अच्छा अथवा ऐसा करो हेतु प्रकाशत्व विशेषण दे दो, प्रकाशत्वेन स्वसत्ता हम कह दो अब दोष नहीं जाएगा, कि दुख कैसा है आप भले वहां पर कहो प्रकाश है, प्रकाशत्वेन माने है ना दुखत्व है ना, वहां पर दुख का उच्छेद कौन है, दुखत्व है, प्रकाशत्व नहीं है, अपने हेतु का ही अभाव हो गया, साध्य का अभाव है हेतु का भी अभाव हो जाएगा, व्यभिचार खत्म। प्रकाशत्वेन विशेषणाच्छ नापि द्वितीय तृतीय और असिद्धि, उसने कहा ना प्रकाश आश्रयत्व और प्रकाश कर्तृत्व ये तो हेतु भी असिद्धि दोषग्रस्त है, क्योंकि आपके मत में प्रकाश का आश्रय आत्मा नहीं है, ज्ञान आश्रय आत्मा ज्ञानाधिकरण आत्मा आप नहीं मानते हो, और ज्ञान कर्तृत्व भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं है, ये उसने कहा था। कहते ये भी हमारे मत में दोष नहीं आएगा, क्योंकि हम जो ये अनुमान किए हैं, मनोविवरणकार ने जो अनुमान किए हैं पररीत्यात्यो रुकते हैं, पर रीति से ही कहा गया है, न्यायिकों के दृष्टिकोण से भी आत्मा में स्वप्रकाशत्व में जो सिद्ध करना था, कि मैंने कहा ना विद्यासागरकार ने यही किया था, ज्ञान को स्वप्रकाश सिद्ध कर दो आत्मा स्वप्रकाश है कहेगा वो, भाई ज्ञान स्वप्रकाश हो गया तो आत्मा जड़ है, तो नहीं आत्मा भी स्वप्रकाश है, जब आत्मा स्वप्रकाश सिद्ध हो जाएगा ज्ञान और आत्मा भिन्न सिद्ध हो जाएगा, इसलिए हम जो कह रहे पर रीत्या ही अनुमान ज्ञानाधिकरण होता हुआ भाई आत्मा स्वप्रकाश है, उनके मत में क्या है स्वप्रकाश नहीं है, हम स्वप्रकाशित कर दिया, तो ज्ञानाधिकरण मानोगे आत्मा को तब भी आत्मा स्वप्रकाशित हो रहा है,
इसे प्रकाश आश्रयत्वात हेतु बना दिया। इतने तरह प्रकाश आश्रयत्व तर तत्र स्वप्रकाशत्व यथा दीप, इस प्रकार से कहते हैं। परित्यात्य रुकते हैं प्रतिबिंब से बिंबादीनतया तद आश्रितत्व बिंब ज्ञान हेतुत्वपत्तिश्च। और दूसरी बात आप देख लो विचार करके कि प्रतिबिंब सदैव बिंब के अधीन, बिंब में आश्रित है, वो बिंब आश्रित माना जाता है प्रतिबिंब को। भले आपको दर्पण में दिख रहा है प्रतिबिंब, लेकिन वो प्रतिबिंब वास्तव में दर्पण में नहीं है, वो बिंब आश्रित ही है, बिंबाधीन है वो। अतएव तद आश्रितत्व न बिंब ज्ञान हेतुत्वपत्तिश्च, इस बिंब ज्ञान के प्रति प्रतिबिंब कारण हो गया। यही होता ही है, आप देखते ही क्यों है प्रतिबिंब को, अपने बिंब ज्ञान करने के लिए तो देख रहे हैं। ये बिंब ज्ञान होता है प्रतिबिंब के द्वारा, और बिंब में कहाँ गड़बड़ी उसको ठीक करते हैं। अब बाल भी बना रहे हैं, बाल कहाँ बना रहे हैं, कंघी कहाँ चलता है, दर्पण में थोड़ी चला रहे हैं आप, बिंब में चला रहे हैं, देख कहाँ रहे हैं प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब में देख रहे हो और सब काम कर रहे हो बिंब में। इसे बिंब ज्ञान के प्रति हेतु भी है वो, तो बिंब आश्रित होता हुआ बिंब ज्ञान के प्रति हेतु बन गया। तथा ज्ञान का आश्रय होते हुए जो आत्मा के ज्ञान के प्रति ज्ञान कारण हो जाएगा उसके स्वप्रकाशत्व में। अतएव आत्मा, एक और अनुमान दिखा रहे हैं जो किसी और का है, यह आत्मा स्व अनंत उत्पत्ति का प्रकाश आश्रय न प्रकाश आश्रयत्वाद आदित्यादिवद इत्यपि साधु। आत्मा कैसा है, स्व अनंतरोत्पत्तिक प्रकाश का आश्रय नहीं है, नित्य प्रकाशवान है, नित्य प्रकाशत्व सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति वाला जो प्रकाश है तारस प्रकाश का आश्रय नहीं है। स्व अनंतरोत्पत्ति मैंने हमेशा क्या होता है, द्रव्य पहले से रहता है, आत्मा पहले से ही है, आत्मा के संयोग करता है तब आपके मत में ज्ञान पैदा होता है। इसे कहिए आत्मा पहले से है, उसके उस आत्मा में उसके अस्तित्व के उत्तर क्षण में ज्ञान पैदा होता है, प्रकाश पैदा होता है आपके मत में। अनंतरोत्पत्ति को गया ज्ञान, तारस ज्ञान का आश्रय आत्मा नहीं है। अरे उत्पत्ति अनित्य ज्ञान आश्रय आत्मा नहीं, नित्य ज्ञान आश्रय है। सीधे कहो तो नित्य ज्ञान आश्रय आत्मा है, प्रकाश आश्रय न माने अनित्य ज्ञान आश्रय नहीं है। क्यों, वो नित्य ज्ञान रूप ही है, बल्कि नित्य ज्ञान आश्रय मत कहो, नित्य ज्ञान रूप ही है। प्रकाश आश्रयत्वात प्रकाश का आश्रय होने से आदित्य के समान इत्यपि साधु। इन पूर्व पक्ष कहता है यहाँ पर हम सिद्ध साधन दोष देंगे, न च सिद्ध साधनम। क्यों, क्योंकि घटादि विषय के ज्ञान से त्वयापि जन्यत्व स्वीकारात, कि घटादि विषय के ज्ञान आपके मत में भी जन्य है। वो नित्य ज्ञान कहाँ ले रहा है, ईश्वर में, ईश्वरी ज्ञान नित्य ज्ञान, इसके द्वारा ईश्वरी ज्ञान सिद्ध हो रहा है आपके अनुमान से। नित्य ज्ञान तो सिद्ध हुआ, नित्य ज्ञान आश्रित तो सिद्ध करोगे तो भी ईश्वर में चला जाएगा, सिद्ध साधन दोष होगा, कहते नहीं होगा, क्योंकि आपने के मत में भी घटादि विषय ज्ञान को जन्य ज्ञान माना गया। उस जन्य ज्ञान से भिन्न ले लो नित्य ज्ञान, उसका आश्रय आत्मा, ऐसे लेने पर तुम्हारे ईश्वर में जाएगा तो भी आपत्ति नहीं आएगी, सिद्धांत दोष नहीं होगा, कि तुम्हारा जो ईश्वर तुम जिसे करो उसे को तुम आत्मा कह रहे, ब्रह्म कह रहे, अलग है ही नहीं। इसे नित्य ज्ञानवान आप कह रहे हो, आपकी भाषा में हम भी नित्य ज्ञान आश्रय तो सिद्ध कर दे रहे हैं। अनित्य ज्ञान का आश्रय नहीं है, नित्य ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि प्रकाश आश्रय तो हेतु भी हमारे आश्रय प्रखेतु दिया। अब आनंद बोध भट्टारकाचार्य के द्वारा जो प्रमाण माला में लिखा हुआ अनुमान है उसको उठा रहे हैं। आनंद बोधोक्तं च विवाद अध्यासिता संवित स्वसमान आश्रय स्वसमान काल स्वगोचर ज्ञान विरह प्रयुक्त व्यवहार विरहवती संविद्वत अनंतर व्यवहियमाण संविद्वत। यह अनुमान कर दिया विवाद अध्यास जो संवित ज्ञान रूपा आत्मा, आत्म रूपा ज्ञान, ये ज्ञान से हो गया पक्ष हमारा, जो विवादास्पद है हमारे यहाँ जो मत में नित्य ज्ञान स्वरूप है उसको पक्ष पर कह दो। वो कैसा है, पहला स्वसमान आश्रय विशेषण, दूसरा विशेषण स्वसमान काल,
तीसरा विशेषण स्वगोचर ज्ञान विरह प्रयुक्त व्यवहार विरहवती, तार्श ज्ञान विरह प्रयुक्त व्यवहार विरहवती न भवती, व्यवहार विरहवती न भवती मुख्य साध्य हो गया, व्यवहार अभाव वाला नहीं है। अयम आत्मा इदम ज्ञानम व्यवहार होता है, इसे व्यवहार अभाव वाला नहीं, व्यवहार अभाव वाला नहीं है, मरता व्यवहार वाला है, तो घटाधिमत व्याप्ति हो जाएगा। तब ये तीन तीन विशेषण देने पड़े अलग अलग। और सुंदर पदकृत निश्चय दिया है, देखिए स्वगोचर ज्ञान के न रहने पर, स्वगोचर ज्ञान पहला विशेषण, स्वगोचर ज्ञान विरह प्रयुक्त वार विरहवती न भवती, यहाँ पर स्वगोचर ज्ञान शब्द मत दो तो क्या होगा, घटादि जो अस्व प्रकाश पदार्थ है उनका व्यवहार भी नहीं होगा, घटादि जो अस्व प्रकाश पदार्थ है वहाँ क्या हो जाएगा कि स्वसमान आश्रय, स्वसमान काल वो विशेषण रह गया आपका, स्वसमान आश्रय और स्वसमान कालिक नहीं है, घटक ज्ञान आदि ज्ञान जितने व्यवहार है ज्ञान पूर्व में होता है, उत्तर काल में व्यवहार होता है, उनके मत में क्या है पहले व्यवसायिक ज्ञान होगा फिर अनव्यवसायिक ज्ञान होगा, तो उत्तर काल में व्यवसायिक ज्ञान विषय का व्यवहार होगा, समान काल तो है नहीं ना, वरना समान आश्रय है भिन्न आश्रय हो गया, इसे स्वसमान आश्रय और स्वसमान काल इन दो विशेषणों से कि विरह प्रयुक्त वार विरहवती, इन दोनों से विरह हो गया कौन घटादि, तार्श विरह प्रयुक्त व्यवहार का विरह नहीं है ऐसा नहीं, कौन हुआ घटादि, इसीलिए दोष निवारण का हमें क्या करना पड़ेगा स्वगोचर ज्ञान कह दो, स्वविशद ज्ञान विरह ये कहना पड़ेगा, ये करे अतः घटादि से उक्त संवित भिन्न है, इसका ज्ञान न होने पर भी इसका व्यवहार होता है, अतः यह स्वप्रकाश है व्यापत्ति हो जाएगी, क्योंकि यह अपने व्यवहार के लिए अन्य संवित पर निर्भर नहीं है, पूर्वकालीन ज्ञान के न रहने पर भी इदानीन्तन ज्ञान व्यवहार संपन्न हो जाता है, अतः पूर्वकालीन स्वगोचर ज्ञान अभाव प्रयुक्त व्यवहार अभावाभाव सिद्ध है, अतः सिद्धांत दोष होती है, इस दोष को दूर करने में क्या कहना पड़ा स्वसमानकालीन कहना पड़ेगा, स्वसमानकालीन ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो पूर्वकालीन ज्ञान दो दिन पहले वाला ज्ञान है और आज व्यवहार हो रहा है फिर उसको लिए स्वप्रकाशित कैसे घटेगा, इसलिए कहते हैं कि आपको समकालीन क्या है स्वसमानकालीन होना चाहिए व्यवहार हो, ज्ञान के समानकालीन व्यवहार होना चाहिए, फिर भी स्वसमानकालीन स्वगोचर दो विशेषण आपने दे दिया अभी, उससे चैत्रिक ज्ञान का विरह होने पर भी मैत्री व्यवहार तो होता रहेगा, मैत्री ज्ञान को लेकर के चैत्रिक ज्ञान का भाव है किंतु मैत्री ज्ञान को लेकर के मैत्री व्यवहार होगा, इसे स्वसमान आश्रय भी कह दो, जिस आश्रय में ज्ञान है उसी आश्रय व्यवहार भी होना चाहिए और उसी काल में समान काल में भी होना चाहिए, ये तीनों विशेषण होना जरूरी है, एक अगर ज्ञान के विरह होने पर भी मैत्री व्यवहार मैत्री ज्ञान के आधार पर होता ही है, इसे व्यवहार अभाव नहीं है वहाँ पर, अतः पुनः प्रसक्त होते सिद्धांत दोष उसे दूर करने के लिए स्वसमानाश्रय ज्ञान कहा गया है। अनंतर व्यवहीयमाण संविद्वत, ये जो दृष्टांत क्या है, इस दृष्टांत वाक्य का अर्थ है कि प्रथमतः तो बता रहे देखो उनकी प्रक्रिया, व्यवसाय ज्ञान होता है उसके अनंतर अनुव्यवसाय ज्ञान होता है और उसके बाद में अनुव्यवसाय के अनंतर व्यवसाय विषयक व्यवहार हो जाता है, व्यवसाय ज्ञान का जो विषय है उस विषय के साथ व्यवहार हो जाता है, अतः व्यवसाय अनंतर भावी जो अनुव्यवसाय उसके अनंतर है व्यवहार्यमाण व्यवसाय को दृष्टांत बनाया गया, संवित्वात् अनंतर व्यवहार्यमाण संवित्वत् अनंतर व्यवहार्यमाण व्यवसाय के अनंतर अनुव्यवसाय तदनंतर व्यवहार्यमाण वस्तु को संवित्त को ज्ञान को दृष्टांत बनाओ, जिसके अंतर व्यवहार हो रहा है कौन होगा वो अनुव्यवसाय ज्ञान, और अनुव्यवसाय ज्ञान किसके अनंतर हुआ था व्यवसाय ज्ञान के अंतर्गत, लेकिन वह व्यवसाय ज्ञान भी हमारे लिए क्या है स्वप्रकाश है, उसको हम ले लेंगे पक्ष कोटि में भी, इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार का हमारे दृष्टांत बनाने पर भी उनके हिसाब से स्वप्रकाश सिद्धांत में कोई दोष नहीं आता। अब यहाँ पर शंकाओं से और स्पष्ट होगा, देखिए न्यायमृतकार ने जो कहा कि भाई न च स्वविद्यत्व ने उपपत्या सिद्ध साधनम, कहते देखो कि ब्रह्म को स्वविद्य मान लो ना,
सब दोष खत्म हो गया, अवैध मान के लफड़ा खड़ा कर रहे हो आप, यह अवैधत्व क्यों कहते हो? अरे कभी ना कभी तो वैद्य है, अरे समाधि में ही वैद्य है, मुक्ति काल में ही वैद्य, कभी तो वैद्य मान लो, झंझट खत्म हो जाएगी। चाहे नित्य वैद्य मत मानो, प्रत्यक्ष अधिकार वैद्य मत मानो, यानी यदा कदाचित वैद्य मान लो। जैसे हम मान रहे, हम ईश्वर का भी साक्षात्कार कर लेते हैं, हमको ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा, हम वैकुंठ जाएंगे, वहाँ ईश्वर के साथ बैठे बातें भी करेंगे, सब होता है। तो वैसे भी आप मान लो आत्मा को, खुद के भी समाधि में नहीं हो सकता ना, हम वैद्य नहीं मान सकते ब्रह्म। अतएव कहते देखिए, पूर्व पश्चिम साधन दोष दिया, हमारे यहाँ भी जो है उनका कहना है माध्यमत में भी ईश्वर आदि को स्वज्ञान प्रतिवार का विषय मानता हूँ, स्वज्ञान प्रयुक्त व्यवहार विषयत्व वैद्यत्व मानता हूँ, व्यवहार अभाव अभाव तो व्यवहार विषयत्व ही माना जाता है। अतः स्वगोचर ज्ञान विरह प्रयुक्त अव जो प्रयुक्त अव्यवहार अभाव मैंने व्यवहार अभाव अभाव के सिद्ध होने से सिद्धांत सा दोष हो जाता है। जब ऐसा कहते सिद्धांत इस मत कहो अस्य पर वैद्यता अंगीकर्तृ विषयत्वात्, भाई ये तो भाई ये नहीं हो सकता कि ज्ञान में पर प्रकाशत्ववादी तार्किकों के मतानुसार ही हम साध्य बनाए हैं। ये साध्य जो विवरणकार कहो चाहे आनंद बोधकार के सब क्या कर रहे हैं, न्यायिकों के हिसाब से जो लोग ज्ञान को भी पर प्रकाश माना, व्यवसाय ज्ञान को अनुव्यवसाय ज्ञान की तरह प्रकाश माना और अनुव्यवसाय ज्ञान को स्वप्रकाश मानना पड़ेगा, नहीं तो अनवस्था दोष हो जाएगी। लेकिन पर प्रकाश प्रथम ज्ञान तो माना है ना, उसी के आधार हम उनके लिए अनुमान कर रहा हूँ, उनके दृष्टिकोण से भी हम ज्ञान को स्वप्रकाशित करने के लिए अनुमान किया हुआ है, इसे कोई दोष नहीं आएगा। पर वैद्यतांगी कर्तृ विषयत्वात् अस्य मन अस्य अनुमान अस्य, ये जो अनुमान हमने किया है पर वैद्यता को स्वीकार करने वाले के दृष्टिकोण से ही हमने इस अनुमान का विषय बनाया हुआ है। स्व आवश्यक पक्ष विशेषण महिमना तब अनभिमत पर्यवसानात्, अथवा पक्ष में एक विशेषण जोड़ दो स्व अविषयत्व का, स्व अविषय जिसका स्व ही विषय नहीं होता, ऐसा ज्ञान हम ले रहे पक्ष में। ज्ञान का विषय स्वयं ज्ञान नहीं, जैसे उनके ज्ञान का विषय ज्ञान हो रहा है, अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय व्यवसाय ज्ञान होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। स्व विषय कह दो सीधे सीधे काम हो जाएगा। विशेषण देने से आपके मत की सिद्धि कभी हो ही नहीं सकती, अतः सिद्धांत दोष नहीं होगा। अवैधत्व तो ब्रह्मण श्रुति सिद्धम एव, और अवैधत्व ब्रह्म श्रुति सिद्ध कर चुका हूँ कई बार। न च साकल्यन अवैधत्व परा संकोच कारण अभावत, कहते साकल्यन अवैधत्व नहीं है, श्रुति अवैध कह रही है लेकिन शाश्वती की अवैधत्व नहीं है, समाधि काल में अवैधत्व हो जाएगा या मुक्ति काल में वैद्यत्व हो जाएगा, ऐसे संकोच कर लो उसको भी। भाई श्रुति कह रही है वैद्य, हम नहीं खंडन करते, ठीक है कह रही है, लेकिन कब के लिए कह रही है? वो जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल, मूर्छा काल, व्यवहार काल, इनमें नहीं है अवैध, वैद्य नहीं है वो अवैध है इनमें। लेकिन समाधि काल में मुक्ति काल में वैद्यमान, तब सिद्धांति कहता है ऐसे श्रुत्यर्थ को संकोच करने में कारणाभावत कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, इसके बाद अनेकों दोष देगा।